सो दोस्तों, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम अब होने वाला है। भाई बात यूँ हुई कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो ऑफिशियल वेबसाइट है JEE CUP, उस पर एक इन्फॉर्मेशन आई है जिसमें बताया गया है कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो इन तारीखों को हैं। आपके ग्रुप ए का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 12 सितंबर को होने वाला है, 12 सितंबर को, और 9 से 12 इसकी टाइमिंग होगी, यानी 3 घंटे का जो पेपर होता है, 9 से 12 टाइमिंग है। और E1 और E2 जो ग्रुप्स हैं वो भी 12 सितंबर की होंगे और 2:30 से 5:30 तक इनका एग्ज़ाम होने वाला है। और BCDFGHI जो ग्रुप्स हैं इनका 15 सितंबर को होने वाला है 9 से 12 तक, और ये ऑनलाइन होगा और इसमें परिवर्तन ही दिया गया है, ये नहीं, इसका मतलब कि ये डेट चेंज भी हो सकती है। और के ग्रुप का जो भी है ये आपका 15 सितंबर को ही होगा, 2:30 से 5:30 के बीच में। तो एग्ज़ाम की डेट्स आ चुकी हैं और आप इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं, अब फिर से लग जाइए, जी जान लगा दीजिए। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात ये भी है कि हो सकता है कि कोरोना की वजह से इसको फिर से टाला जा सके। 12 सितंबर के डेट के साथ में परिवर्तनी तो नहीं दिया है, बट संभावना ये भी है कि हो सकता है बदल दिया जाए, पर इसकी संभावना बहुत कम रखी जाएगी, क्योंकि ये सत्र तो पूरा करना ही है, कैसे भी कैसे करके आगे बढ़ना ही होगा, तो एग्ज़ाम तो करा ही लिया जाएगा। बहुत सारी खबरें आ रही थी कि मेरिट के हिसाब से होगा, बट मेरिट के हिसाब से हो नहीं पाएगा भाई, क्योंकि अलग अलग बोर्ड के बच्चे यहाँ पे एग्ज़ाम देते हैं और हर बोर्ड का जो नंबर्स होते हैं वो थोड़े से अलग रहते हैं, कुछ कम ज़्यादा अपने हिसाब से मापदंड रहता है, तो मेरिट के हिसाब से नहीं हो पाएगा और एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। डेट्स आपको पता चल गई हैं, आप जाके इनकी वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। जहाँ तक रही प्रवेश पत्र की बात, तो कहा गया है कि 8 दिन पहले जब एग्ज़ाम होने वाला होगा उसके 8 दिन पहले से प्रवेश पत्र आपका ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये यूपी के सभी ज़िलों में होने वाला है। सो एग्ज़ाम सेंटर ढूंढने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपके डिस्ट्रिक्ट में ही आपका सेंटर मिल रहेगा। दूर भेजने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि जितना ज़्यादा दूर भेजेंगे उतना ही ज़्यादा खतरा बढ़ता जाता है। तो यही रहेगा कि आपके ज़िले में ही आपका सेंटर हो जाएगा और एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो जाएगा, तो अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। और मैं तो वीडियोस ला ही रहा हूँ, तो उन्हें प्लीज़ देखिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।